गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी टेक्स्ट से पार्ट 7 अभ्यास का महत्व, पार्ट 8 गैजेट्स मित्र या शत्रु, पार्ट 1 भाषा लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब आज जो हम करने जा रहे हैं वो दोहरान है, आप ध्यान से इसको देखेंगे और सुनेंगे। दोहरान पाठ 7, पाठ 8 और पाठ 1। पाठ 7 अभ्यास का महत्व। स्मरणीय बिंदु सबसे एक नंबर पे है, वरदराज और गुरुकुल। ये पाठ बच्चों जिस बालक के बारे में है उसका नाम वरदराज है। वरदराज जो है वो छोटी उम्र से ही गुरुकुल में आकर रह रहा है। गुरुकुल यानी कि विद्यालय। प्राचीन काल में जब बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता था तो उसे गुरुकुल कहा जाता था। तो जो वरदराज है वो गुरुकुल में आकर रहकर विद्या के लिए विद्या अध्ययन कर रहा था, गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर। क्योंकि वरदराज जो था उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, इसलिए वह पढ़ने लिखने के पर ध्यान न देकर सदैव इस बात पे रहता था कि उसे काम कम करना पड़े या समय उसका निकल जाए। लेकिन वरदराज के इस व्यवहार के कारण उसके जो मित्र थे उसे मूर्खराज या मूर्खराज कहकर बुलाते थे। अब वरदराज तो जो था उसका मन क्योंकि पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, इसलिए वह गुरुजी के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था। और जब भी गुरुजी उससे कुछ प्रश्न करते वो प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता था। आप अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 46 जिस पे ये पाठ दिया हुआ है, आप हम उसी को पाठ को ही दोहरान में ले रहे हैं। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 2, गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि वह कोई भी प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता था, उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, तो वह बिल्कुल अलग सा रहता था। उसके जो मित्र थे वो भी उसको उसका मजाक उड़ाते थे। पॉइंट 3, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। अब गुरुजी ने जब देखा कि उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, तब गुरुजी ने उससे कहा कि वरदराज, तुम्हारा मन जिस काम में लगता है तुम उस काम को करो और पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और अपने गांव वापस चले जाओ। ये सुनकर वरदराज को बहुत दुख हुआ और वह दुखी मन से अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जब वह खाना पानी के लिए वहाँ किसी जगह पर जाकर बैठा था, तब वहाँ जाने पर कुएं की जगत के निशान, क्योंकि उसने जब सत्तू खा लिया तो वह पानी पीने के लिए एक कुएं के पास में गया, जहाँ उसने देखा कि बहुत सारे गड्ढे बने हुए थे और स्त्रियाँ पानी भर रही थीं। तब उसने उन स्त्रियों से बोला कि ये कितने सुंदर गड्ढे आप लोगों ने बनाए हैं। तब स्त्रियों ने उन्हें बताया कि ये गड्ढे हमने नहीं बनाए हैं, ये मिट्टी के जो घड़े हैं रखते हैं, तो उन घड़ों को रखने से ये गड्ढे अपने आप बन गए हैं। आगे उसने मिट्टी के घड़े और लोहे की घिरनी, हम पॉइंट नंबर 5 पे आ रहे हैं, 5 पे, उसमें लोहे की घिरनी, उसने जब देखा कि कुएं के ऊपर जो लोहे की घिरनी लगी हुई थी जिससे रस्सी डालकर पानी खींचा जाता है, वो बहुत ही चिकनी और चमकदार नज़र आ रही थी। और उसने देखा कि ये इतनी चिकनी और चमकदार है कैसे हुई, तब वो उन औरतों ने बताया कि जब हम इस रस्सी से पानी खींचते हैं तो वो घिरनी बहुत ही चिकनी और अपने आप चमकदार हो गई है। ये सुनकर वरदराज ने सोचा कि जब मिट्टी के घड़े पत्थर में गड्ढे कर सकते हैं और कोमल रस्सी इस लोहे की घिरनी को घिसकर चिकनी और चमकदार कर सकती है, तो क्या मैं बार बार अभ्यास करके अपने पढ़ाई लिखाई को नहीं कर सकता, या अपने अभ्यास के द्वारा वापस से पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता? खूब परिश्रम, ये सोचकर वह
वापस अपने गुरुकुल लौट जाता है, जहाँ जाने के बाद वह गुरुजी के पास पहुँचता है और सारी बात जो भी होती है वो महिलाओं द्वारा जो उसकी वार्तालाप या बातचीत होती है गुरुजी को जाके बताता है। गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी अब मैं खूब परिश्रम करूँगा और खूब मेहनत से मन लगाकर अपना अध्ययन करूँगा, पढ़ाई करूँगा। ये सुनकर गुरुजी बड़े प्रसन्न होते हैं और उससे बोलते हैं कि हाँ, जो भी कुछ दिक्कत आए, परेशानी आए तो मुझसे पूछ लेना। गुरुकुल लौटना, और गुरुकुल वह लौट रहा है। संस्कृत भाषा का ग्रंथ, अब जो वरदराज था उसने मन लगाकर पढ़ाई की, दिन रात वह पढ़ने में अभ्यास में लगा रहता था, खाना पीना सब कुछ छोड़कर वह अभ्यास में लगा रहा और इस तरीके से उसके अभ्यास के द्वारा उसने व्याकरण भाषा संस्कृत को बहुत अच्छे से जाना, क्योंकि संस्कृत बहुत ही कठिन होती है, लेकिन संस्कृत को उसने बिल्कुल सरल भाषा में परिवर्तित कर दिया और व्याकरण यानी संस्कृत का एक प्रकांड पंडित यानी ज्ञाता बन गया। अब आ जाते हैं बच्चों हम इंटरनल क्वेश्चन पर। आपके ये आंतरिक क्वेश्चन हैं, आप अपनी बुक ओपन रखिए। बुक में आपको प्रश्न नंबर एक, गुरुजी वरदराज से क्या छोड़ देने को कहते हैं। आप अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 47, इसमें लिखा हुआ है। आप अपनी बुक के इस पैराग्राफ को रेखांकित करेंगे, उत्तर है पढ़ाई लिखाई। आप अपनी बुक में इसे रेखांकित करेंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न दो, आपको ये प्रश्न पीडीएफ में भी मिलेंगे लेकिन आप अपनी बुक में भी इसे रेखांकित करेंगे। घिरनी घिस घिस कर कैसी हो गई थी, पेज नंबर 48 पे आ जाइए, पैराग्राफ देखिए जिस पे लिखा हुआ है घिरनी। तो घिरनी घिस घिस कर कैसी हो गई थी, चिकनी और चमकदार। तो यहाँ लिखा हुआ है चिकनी और चमकदार, आपको इसको रेखांकित करना है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर तीन, गुरुकुल कौन लौट आया, ये है पेज नंबर 49, यानी 49 आपका पेज नंबर दिया हुआ है। इस पर लिखा हुआ है आपका कि गुरुकुल कौन, वरदराज लौट आया, यहाँ पर भी आपको रेखांकित करना है। आप तीनों ही प्रश्न को अपनी बुक में रेखांकित करेंगे। आपको ये प्रश्न पीडीएफ में भी हैं लेकिन आप अपनी बुक में अपनी सुविधा के लिए इसे रेखांकित करेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों पेज नंबर 50 पर, जिस पे आपके मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर एक, गुरुकुल के अन्य बालक वरदराज का मजाक क्यों उड़ाते थे, क्योंकि उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, वो पढ़ता नहीं था लिखता नहीं था, इसलिए उसके जितने भी मित्र थे उसका मजाक उड़ाते थे, उसे मूर्खराज कहकर भी बुलाते थे। प्रश्न दो, वरदराज से पढ़ाई लिखाई छोड़ देने के लिए किसने कहा, गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी को लगा कि वह अगर उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है तो जिस काम में भी उसका मन लग रहा है वो उस काम को करे और अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपने गांव वापस चला जाए। प्रश्न नंबर तीन, कुएं की जगत पर निशान किससे बन गए थे, कुएं की जगत जो कुएं के पास में जो जगह बनी हुई थी उस पे निशान किससे बने थे, मिट्टी के घड़े से। मिट्टी के जो मटके होते हैं घड़े, जब स्त्रियां उनको पानी से भरती थी, जिस जगह पर रखती थी जो गड्ढे बनते थे वो किससे बनते थे, मिट्टी के घड़े से। प्रश्न नंबर चार, वरदराज ने किन वस्तुओं को देखकर कुछ संकल्प लिया। अब वो जब कुएं के पास में पहुंचा तो उसने कुएं के जो गड्ढों को देखा, साथ में उस घिरनी को देखा जो कोमल रस्सी से चिकनी और चमकदार हो गई थी, तो कुएं के पत्थर को, जो कुएं का वहाँ बना हुआ जो पत्थर था यानी वहाँ का जो चबूतरा बना हुआ था, और घिरनी जो थी लोहे की, उसको देखकर उसके मन में इन बात का परिवर्तन आया और उसने एक संकल्प लिया। वरदराज ने क्या संकल्प लिया, उसने संकल्प लिया खूब परिश्रम से पढ़ाई करने का, कि मैं अब खूब परिश्रम करूँगा, खूब मेहनत करूँगा और मेहनत से अपनी पढ़ाई करूँगा, तो ये संकल्प लिया उसने। प्रश्न छः, वरदराज को किसका महत्व समझ आ चुका था, अभ्यास का महत्व, यानी कि अगर हम बार बार किसी काम को करने का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे तो वो काम जरूर सफल होगा, तो यहाँ अभ्यास का महत्व किसको समझ में आ गया था, वरदराज को इसका महत्व समझ में आ गया था। अब आ जाते हैं पेज नंबर 51 पर, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, बालक वरदराज एक रिक्त स्थान में पढ़ता था, महाविद्यालय गुरुकुल
इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर आएगा हमारा गुरुकुल। गुरुकुल पे आप राइट का निशान लगाएंगे। ख, सभी विद्यार्थी वरदराज को रिक्तस्थान कहकर पुकारते थे। अब इसमें देखिए ऑप्शन में नंबर एक पे दिया है बलवान, दो पे है अभिमानी और तीन पे है मूर्खराज। तो यहाँ क्या कहकर पुकारते थे? मूर्खराज। तो यहाँ पर आप राइट का निशान लगाएंगे। ग, वरदराज ने रिक्तस्थान देखकर बार बार अभ्यास करने का निश्चय किया। अब क्या देखा उसने? कुएं की जगत पर बने निशान, घड़े, स्त्रियों को। तो सही उत्तर है यहाँ कुएं की जगत पर बने निशान, इस पे राइट का निशान लगाएंगे आप। घ, बड़ा होकर वरदराज रिक्तस्थान भाषा का विद्वान बना। तो यहाँ है हिंदी, संस्कृत, पंजाबी। तो यहाँ सही उत्तर है आपका संस्कृत। संस्कृत का वो बहुत बड़ा विद्वान बना, ज्ञाता बना। तो यहाँ संस्कृत पर आप राइट का निशान लगाएंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर दो, किसने किससे कहा? ये भी आपका पेज नंबर 51 ही है। इसमें देखिए, क, शायद भगवान ने मेरे भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं। अब ये किसने कहा? वरदराज ने। और किससे? अपने आप से, स्वयं से, अपने आप से ही वो बोल रहे थे कि शायद मेरे भाग्य में भगवान ने विद्या नहीं लिखी है। ख, ये निशान घड़ों के कारण स्वयं ही बन गए हैं। किसने? महिलाओं ने। जब वरदराज ने उससे पूछा तो महिलाओं ने बोला। और किससे? वरदराज से। ग, अब से मैं खूब परिश्रम करूँगा। तो इसका उत्तर है किसने कहा? वरदराज ने। और किससे? जब वे गुरुकुल वापस लौट आए थे तो गुरुजी से ये उन्होंने कहा था। घ, जो समझ में ना आए मुझसे निसंकोच पूछना। यहाँ किसने बोला था? ये गुरुजी ने बोला था कि अगर तुम्हें कुछ भी पढ़ते समय दिक्कत आए, परेशानी आए तो मुझसे पूछना। वो किससे? वरदराज से। शब्दार्थ बच्चों बता रहे हैं हम। शब्दार्थ पर नंबर एक पे है तत्पर, यानी तैयार। तत्पर रहना, तैयार रहना किसी भी काम को करने के लिए। जब हम तैयार होते हैं यानी तत्पर, तैयार। दो, घिरनी। घिरनी मैंने बताया वो लोहे का, जो पानी निकालने के लिए जो लोहे का पहिया लगा होता है, लोहे का पहिया। तीन पे आ गए निसंकोच, यानी बेझिझक। बेझिझक, आप कोई भी बात किसी से पूछते हैं उसे बोलते हैं निसंकोच या बेझिझक। चार पे है प्रकांड, बहुत बड़ा ज्ञानी। प्रकांड का अर्थ है यहाँ पर बहुत बड़ा ज्ञानी, जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, बहुत सारी विद्याएं अर्जित कर लेता है, उसे हम बोलते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी। पांच पे आते हैं विद्वान। विद्वान यानी ज्ञानी भी होता है और पंडित भी होता है। कोई किसी चीज़ में अगर हम कोई डिग्री लेते हैं तो उसे पंडित या ज्ञानी के रूप में जाना जाता है। छः, ख्याति। ख्याति यानी फेमस होना, दूर दूर तक नाम होना। ठीक है, दूर दूर तक उस वरदराज की ख्याति फैल गई थी। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर एक, वरदराज गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे पाता था? अब उत्तर में देखिए, वरदराज गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर इसलिए नहीं दे पाता था क्योंकि उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। अभी हमने पढ़ा ही था कि उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। तो गुरुजी जब भी उससे कुछ प्रश्न करते वो उसका कोई भी उत्तर नहीं दे पाता था। उसे पता ही नहीं चलता था कि इसका क्या उत्तर है या समझ में नहीं आता था। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर दो पर, वरदराज ने स्त्रियों से क्या कहा? उत्तर, वरदराज ने स्त्रियों से कहा कि उन्होंने घड़े रखने के लिए ये कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। वरदराज ने जब उस वहाँ पर पत्थर पे जो गड्ढे देखे तो उसने सोचा कि स्त्रियों ने इन गड्ढों को अपने हाथ से बनाए। पर जब उसने स्त्रियों से पूछा तो स्त्रियों ने उसे बताया कि नहीं, ये गड्ढे अपने आप बन गए हैं क्योंकि वो मिट्टी के जो घड़े बार बार वहाँ रखती थी उससे वो गड्ढे बन गए हैं। तो यहाँ बताया है कि उन्होंने घड़े रखने के लिए ये गड्ढे, अच्छे गड्ढे बनाए हैं, उसने ये बोला। प्रश्न नंबर तीन, गड्ढों को देखकर वरदराज के मन में क्या विचार आया? उत्तर, गड्ढों को देखकर वरदराज के मन में ये विचार आया कि जब मिट्टी के घड़े पत्थर को
और कोमल रस्सी लोहे की घिरनी को घिस सकते हैं। यहाँ वही बात आ गई जो हमने अभी पढ़ी थी कि जब मिट्टी के जो घड़े थे उसने उस पत्थर में क्या कर दिए थे, गड्ढे बना दिए थे, और इतनी कोमल रस्सी ने किस में लोहे को इतना घिस दिया था, चमकदार बना दिया था, तो वह बार बार अभ्यास से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसके मन में ये सवाल आया कि क्या मैं बार बार अभ्यास करके अपनी शिक्षा को फिर से प्राप्त नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 4, बड़े होकर वरदराज ने किस विषय पर ग्रंथों की रचना की? उत्तर, बड़े होकर वरदराज ने संस्कृत भाषा के व्याकरण पर ग्रंथों की रचना की। और जब वरदराज जब पढ़ने लगा और जब उसका मन पढ़ाई लिखाई में लगा तो उसने संस्कृत भाषा के कई व्याकरण बनाए, ग्रंथों की रचना की। संस्कृत का जो व्याकरण है बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन वरदराज ने उसको बड़े ही सरल तरीके से ग्रंथों के अंदर परिवर्तित किया। बच्चों, अब हम आ रहे हैं पाठ 8, गैजेट्स मित्र या शत्रु। स्मरणीय बिंदु नंबर 1 पे है आर्यन और अक्षय का वार्तालाप। इसमें बताया है कि आर्यन और अक्षय जब विद्यालय से घर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक गैजेट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की दुकान देखी और वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारी भीड़ थी और ये देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित हुए और अचंभित हो गए कि ये इतनी भीड़ क्यों नज़र आ रही है। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की दुकान है, इसलिए लोग यहाँ पर उन सामान को खरीदने के लिए आए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी वो सारे उपकरण जो आज हम अपने घरों में प्रयोग में लाते हैं, सभी उपकरण हमारे लिए आज आवश्यक हो गए हैं, जरूरी हो गए हैं। हम इनके साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमारी आवश्यकता का एक मुख्य हिस्सा बन गए हैं। पॉइंट 3 पे आते हैं हम, उपकरण का अत्यधिक प्रयोग। आज हम इन उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग करने लगे हैं, जैसे कि कंप्यूटर है और मोबाइल है, इन सब चीज़ों से हम अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देख रहे हैं। आज के युग में ये उपकरण वो हैं जो हमारी आवश्यकता के लिए अत्यधिक उपयोगी हो गए हैं। चमकती स्क्रीन और कंप्यूटर और मोबाइल की जो चमकती हुई स्क्रीन है, अगर हम उसको देखते हैं लगातार, अगर हम बैठकर देखते हैं तो वो हमारे लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है और उससे कई बार हमें बीमारियां भी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इनका भी ध्यान रखें कि हम जब भी बैठें उस स्क्रीन के सामने एक दूरी बनाकर पर्याप्त रोशनी में देखें तो ये हमारे लिए इतना नुकसान नहीं करते, इसलिए हमें इनको देखते समय भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। रोगों का खतरा, हाँ ये ज़रूर है कि अगर हम इनका बहुत लंबे समय से प्रयोग कर रहे हैं और लंबे टाइम तक प्रयोग कर रहे हैं तो कई बीमारियां होती हैं, जैसे आँखों की, मधुमेह, हृदय रोग, जो कई रोगों को खतरा बढ़ जाता है। पर्याप्त रोशनी, लेकिन आप अगर इसको देखने के लिए पर्याप्त रोशनी वे दूरी का ध्यान रख रहे हैं, आप जब भी इसको कंप्यूटर को या मोबाइल को चला रहे हैं तो रोशनी रखें कमरे में, पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, अंधेरा नहीं रखना चाहिए, और उसके साथ साथ दूरी, अपने हाथ एक हाथ दूरी बनाकर रखें तो वो आपकी आँखों पर इतना असर नहीं डालता है। साथ में देखते समय कुछ समय के लिए आधा या एक घंटे बाद अपनी चहलकदमी कर लें, थोड़ा उठ जाएं, घूम लें, तो उससे क्या होता है, मांसपेशियों में मूवमेंट होता है, वो चलने फिरने लायक हो जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। महत्वपूर्ण बातें, और यही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखें तो गैजेट्स जो हैं हमारे मित्र होंगे, शत्रु नहीं होंगे, क्योंकि हमें इस जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए इन मित्रों का सहारा लेकर ही आगे बढ़ना है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि गैजेट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं, हमारे शत्रु हैं, नहीं, ये हमारे मित्र हैं। इसलिए हम इन बातों का ध्यान रखकर हम क्या कर सकते हैं, इन उपकरणों को अपना मित्र बना सकते हैं। ये हमें हरदम याद रखना है कि गैजेट्स हमारे मित्र हैं। इंटरनल क्वेश्चन, बच्चों आप अपनी बुक में पेज नंबर 54 ओपन करेंगे जिसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, वीडियो गेम किस पर खेले जाते हैं? पेज नंबर 54। उत्तर देखिए, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, यहाँ आपको तीनों दिए हुए हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, रेखांकित करेंगे आप।
टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल यहाँ रेखांकित करेंगे। प्रश्न नंबर दो, ये प्रश्न आपको पीडीएफ में भी मिलेंगे, आप एक बार अपनी बुक में भी रेखांकित करेंगे। लगातार बैठे रहने से क्या होता है, पेज नंबर 55 पर आ जाइए। लगातार बैठे रहने से मोटापा भी बढ़ता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप बैठकर किसी काम को कर रहे हैं लगातार, तो बीच बीच में उठकर चहलकदमी करें तो यहाँ मोटापा भी बढ़ता है। प्रश्न नंबर तीन, हम किसको अपना मित्र बना सकते हैं, ये पेज नंबर आपका 55 पर ही दे रखा है। तो गैजेट्स को, क्योंकि हम सावधानी पूर्वक अगर कुछ काम करेंगे तो हम इन्हें अपना मित्र भी बना सकते हैं। ये आपको इंटरनल क्वेश्चन आप अपनी बुक में रेखांकित करना है। अब आ जाते हैं बच्चों हम पेज नंबर 56 पर, ये आपके मौखिक प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर एक, आर्यन और अक्षय को रास्ते में किस चीज़ की दुकान दिखाई दी, गैजेट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की। प्रश्न नंबर दो, अक्षय क्यों चौंक गया भीड़ देखकर, जब उसने दुकान पर देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है तो वो बहुत देखकर बहुत चौंक गया कि ऐसे कैसे इतनी भीड़ क्यों लगी है। प्रश्न नंबर तीन, किसी गैजेट्स की चमकती स्क्रीन पर लगातार देखते रहने से आँखों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आँखों में एक प्रकार की चुभन होने लगती है। प्रश्न नंबर चार, मधुमेह और हृदय रोगों का खतरा किस प्रकार बढ़ रहा है, ज़्यादा टीवी देखने से, अगर हम लगातार टीवी देखते हैं दिन भर देखते हैं तो ये खतरा बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर पाँच, मोटापा बढ़ने का कारण लेखक क्या मानता है, लगातार बैठे रहना, अगर लगातार हम एक ही जगह बैठे रहेंगे तो मोटापा बढ़ता है, लेकिन अगर हम चलते रहेंगे चहलकदमी करेंगे तो ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में या कम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर छः, मांसपेशियों और जोड़ों को आराम देने के लिए लेखक का क्या सुझाव है, वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि चहलकदमी करने का, यानी थोड़ा सा चलने फिरना चाहिए। अब आ जाइए पेज नंबर 57 पर, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, आर्यन और अक्षय स्थान से घर जा रहे थे, यहाँ पार्क ऑप्शन में है, सेकंड पे है विद्यालय और थर्ड पे है बाजार, तो यहाँ सही उत्तर क्या है, विद्यालय, सही का निशान राइट का निशान लगाइए। ख, रिक्सान के अत्यधिक प्रयोग से शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पुस्तकों, खेलकूद, तो यहाँ उत्तर आएगा, टिक कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों। ग, हर घंटे देखे गए टीवी से मधुमेह तथा हृदय रोगों का खतरा कितने प्रतिशत बढ़ जाता है, 5%, 10%, 20%, तो यहाँ आप टिक करेंगे 20%। घ, कंप्यूटर अथवा टीवी रिक्तस्थान रोशनी में देखना चाहिए, ये मैंने अभी आपको बताया था, कम, पर्याप्त, तेज, तो पर्याप्त यानी पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, उसी में इन चीज़ों को देखना चाहिए। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, इसी पृष्ठ पे दिया हुआ है 57 पे ही। क, गैजेट्स की दुकान पर कपड़े भी थे, नहीं, सिर्फ गैजेट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही थे। ख, आजकल मोबाइल का प्रयोग कोई नहीं करता, नहीं, आजकल मोबाइल सभी लोगों की एक आवश्यकता बन गई है। ग, गैजेट्स के अत्यधिक प्रयोग से मनुष्य का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, हाँ, अगर हम इसका अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा। ग, गैजेट की स्क्रीन को कम से कम एक हाथ की दूरी पर रखें, बिल्कुल सही, हाँ, हमें गैजेट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करना है उसको कुछ दूरी पर, एक हाथ की दूरी से लगा कर देखें। शब्दार्थ, बच्चों अब शब्दार्थ पर आते हैं। एक नंबर पे है निष्क्रियता, निष्क्रियता का अर्थ होता है काम ना करने की स्थिति। दो, अत्यधिक, बेहद ज़्यादा। तीन, मधुमेह, मूत्र व रक्त में शक्कर बढ़ जाने का रोग। चार, हृदय रोग, दिल संबंधी बीमारियाँ। पाँच, दुष्प्रभाव यानी कि बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव। प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर एक, आजकल खेल खेलने के तरीकों में क्या परिवर्तन आए हैं, उत्तर, आजकल खेल मैदानों की बजाय टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि पर वीडियो गेम के रूप में खेले जाते हैं, कि आजकल बच्चे जो हैं वो बाहर ना खेलकर ज़्यादातर अपना समय टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल पे वीडियो गेम में बिताते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता, हमें बाहर मैदान में भी खेलना चाहिए।
प्रश्न नंबर दो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयोग करने पर, अत्यधिक प्रयोग करने से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने इसका प्रयोग अत्यधिक किया, वो लंबे समय तक और बहुत देर तक प्रयोग किया, तब आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। वरना हम अगर उसे एक सीमित उस पर चलाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है। प्रश्न नंबर तीन, गैजेट्स के दुष्प्रभाव से किस प्रकार बचा जा सकता है? उत्तर, गैजेट्स के दुष्प्रभाव से बचने के निम्न उपाय हैं। नंबर एक पर है, कंप्यूटर टीवी पर्याप्त रोशनी में देखें। यह अभी हमने बोला ही था कि रोशनी जब भी हो रूम कमरे की वो अच्छी हो, यानी कि पर्याप्त हो, अंधेरा ना हो। नंबर सेकंड पे आते हैं, गैजेट्स की स्क्रीन आँखों से एक हाथ की दूरी पर रखें, यानी जो स्क्रीन है उसमें दूरी बनाकर रखें। तीन पे आ रहे हैं, हर एक या आधे घंटे के बाद आँखों को स्क्रीन से हटा लें, यानी एक या आधा घंटे के बाद अपनी आँखों को स्क्रीन से हटाकर थोड़ी सी चहलकदमी कर लें। प्रश्न नंबर चार, अपने गुण दोषों के आधार पर गैजेट्स अंततः मित्र सिद्ध होते हैं अथवा शत्रु? तो उत्तर है, यदि गैजेट्स का उचित तरीके से प्रयोग किया जाए, यानी उसका सही इस्तेमाल किया जाए, अत्यधिक प्रयोग ना किया जाए तो मित्र हैं, और अनुचित तरीके से प्रयोग किया जाए तो शत्रु सिद्ध होते हैं। यानी हम लगातार उसे देखते रहेंगे, दिन रात देखेंगे, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन अगर हमने उसका समय के अनुसार प्रयोग किया या कम प्रयोग किया है तो वो हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं हैं।